जनपद जालौन की कोच नगर के 170 वर्ष पुरानी रामलीला महोत्सव धनु तालाब के मैदान में हजारों की भीड़ राम रावण और लक्ष्मण मेघनाथ के बीच हुए घनघोर युद्ध की गवाह बनी। राम रावण के सैन्य शिविर दिखाई गई थी। दशहरा मेले का आयोजन परंपरागत रूप से किया गया। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने रावण को घेर कर मारा, जिसे छोटे छोटे बच्चों ने और समस्त वानर सेना देख रही थी। नीला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। दशहरा मेले में सुरक्षा के इंतजाम में एसडीएम कृष्ण कुमार सिंह, डीएसपी शैलेंद्र वाजपेयी और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बलराज शाही दलबल के साथ निरीक्षण करते रहे। जनपद जालौन की कोच नगर की रामलीला बहुत विख्यात है। 170 साल पुरानी रामलीला धनु तालाब के मैदान में राम लक्ष्मण रावण को धराशायी कर देते हैं। मेला देखने में विधायक मूलचंद निरंजन, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और नगर पालिका अध्यक्ष आदि मौजूद रहे। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज से संवाददाता भानु प्रताप सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। आज जनपद जालौन की कोच तहसील में रामलीला 170 वर्ष पुरानी रामलीला होती है और जी यहाँ ग्राउंड में रावण और मेघनाथ जो मारा जाता है, इस पर क्या बताएंगे, क्या कहेंगे आप? कोच में जो 170 वर्ष पुरानी रामलीला है, जिसको गिनीज बुक में भी दर्ज कर लिया गया है, इस रामलीला की कई विशेषताएं हैं। यहाँ पर जो रामलीला हुआ करती है, सबसे पहली विशेषता तो ये है, यहाँ पर जो पात्र बनाए जाते हैं वो प्रोफेशनल नहीं होते। व्यक्ति स्वतः ही जिनमें योग्यता होती है वो पात्र के लिए चयनित किए जाते हैं और वो अपने कला को प्रदर्शित करने के लिए पात्र बन जाया करते हैं। दूसरी बात जो विशेषता है वो ग्राउंड की रामलीलाएं यहाँ कई हुआ करती हैं, जैसे हिरणाकश का मरना, इसी तरह से सरजू पार का भी, और इसी तरह से ये आज दशहरा के दिन यहाँ पर मेघनाथ और रावण के वध का कार्यक्रम ग्राउंड में हुआ करता है। तो इस रामलीला की ये सारी विशेषताएँ हैं। यहाँ पर आज जो रामलीला हुई, बारिश के कारण यद्यपि उतना व्यवधान नहीं हो पाया, फिर भी बारिश ने थोड़ा व्यवधान डाला है, फिर भी बहुत ही जनता, पूरी क्षेत्र की जनता यहाँ अटूट भीड़ होकर के इस रामलीला को देखा उन्होंने, और आप लोग जो पत्रकार बंधु हैं उन्होंने भी इसका बहुत अच्छा कवरेज दिया। इसके लिए हम सारे पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रामलीला समिति की ओर से। दरनायक सेवा समिति में आज हम लोग यहाँ बैठ कर के, आज चूँकि दशहरा होता है और उस दिन पान खिलाने का और सौंफ इलायची खिलाने का जो वो होता है, इसलिए हम सारे बंधु यहाँ पर बैठ कर के पूरे मेले में जो लोग यहाँ निकलते हैं उन सबको सौंफ इलायची इत्यादि खिलाते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका नाम सर? मुझे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह कहते हैं। मैं पूर्व प्राचार्य मथुरा प्रसाद महाविद्यालय कोच से सेवानिवृत्त हुआ हूँ